तो भाई हम लोग ठट्टा पहुंच गए और ठट्टा पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। कैफ़े इमरान पे हम लोगों को रुकना था। कैफ़े इमरान ढूंढते ढूंढते हम लोग जो है ठट्टा तक आ गए और कैफ़े इमरान पीछे रह गया। अब वापसी में देखेंगे कोई वहाँ पे एक और झील है। हाला जी। तो ये तनवीर भाई भी हमारे साथ हैं आज। हाँ, कैसे हम लोग तो? तनवीर भाई आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे हाथ लगे हम साथ ले आए। बाकी खुर्रम भाई हमारे लंबे लंबे जो टूर होते हैं सारे सबके अंदर खुर्रम भाई हमारे साथ होते हैं भाई। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे यहाँ पे ठट्टा पे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं जी? केंजर जी। सही है। अच्छा, ये आ गए हैं पराठे, ये आ गए हैं चने, वो आ गया हमारा ऑमलेट, थोड़ा ज़्यादा फ्राई हुआ अंडा है ये लग रहा है मुझे। हमारी पार्टी हो भाई। केंजर झील पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ आने का मुद्दा ये है कि इसके बीचों बीच है नूरी जाम तमाची का मोबाइल के लिए मज़ार तो मोबाइल भी नया लिया था यार अभी और गिर गया नीचे। खैर अभी भाई यहाँ पे आप जब भी आए मैं स्टार्ट में बता देता हूँ आप लोगों को कि जो बोट और कश्ती वश्ती मिलती है ना ये बहुत देख दाख के लेनी है वरना ये थोड़ी सी है ख़तरनाक, मतलब इतनी ना रिलायबल नहीं है। तो ये जब भी आए मैं इनके पैसे वैसे कितने ले रहे हैं ये सब मैं आपको आज बताऊँगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं केंजर झील पे और हम लोग मैं और तनवीर भाई पाकिस्तान के साथ वाले हम लोग यहाँ पर आए हैं और बेसिकली हमारा प्लान था कि हम लोग नूरी जाम तमाची के मज़ार पे जाएंगे और हमारा प्लान अभी भी यही है। बोट वाले से हम बात करते हैं और यहाँ पे पिकनिक का एक बड़ा माहौल है ज़बरदस्त कराची में, जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो हम लोग आज यहाँ पे इंजॉय करेंगे, अपनी वीडियो वगैरह शूट करेंगे, गोप्रो को टेस्ट भी करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे के वाटर प्रूफ है और पानी के अंदर 30-40 फीट तक चला जाता है तो इसका इम्तिहान आज फुल लेंगे। तो चल के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। ये देखें जी अभी ये ट्यूब जो है धूम मचाने वाली है पानी के अंदर जाके, इसी पे बैठ के जो है ना हम मज़ार तक जाएंगे क्योंकि वाली बोट जो है ना अभी शुरू नहीं हुई यहाँ पे, तो आप ट्यूब पे बैठ के जाएंगे। तैर रहा आ गया तो आपका भाई तैराकी के साथ नूरी जाम तमाची के मज़ार जाकर दिखाएगा, वो देख रहे हैं बिल्कुल नाक की सीट पे देखे मेरी उंगली की सीट पे, चलते जाए आए पानी में आ जाए, पानी में आ जाए। जी खुर्रम भाई क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छी जगह है। हाँ, मगर ये कि मौसम थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अच्छा, और इस वक्त जो है गर्मी है मगर पानी के अंदर आके जो है ना वो ज़रा सुकून मिल रहा है। तो जगह अच्छी है, साफ पानी है, मीठा पानी है। खुर्रम भाई ये कह रहे हैं कि सूरज भाई जरा चले जाओ आगे पीछे आधे आए घंटे के लिए हम लोग मौजूद हैं, जब वापस जाए तो वापस आ जाना। और यही वो पानी है जो आप पीते हैं मगर फिल्टर होने के बाद यही है वो पानी जो हम पीते हैं। सब बोलेंगे अब ये कहाँ से पीते हैं? हाँ जी बड़े जा। तो जी बाबर भाई आपको बताएंगे कि ट्यूब में बैठते किस तरह है। जी बाबर भाई इतना बैठे ना यार ये बाबा कह रहे हैं मेरे साइज के हिसाब से छोटा है लेकिन बाबर भाई कोशिश करें। शाबाश हिम्मत करें। कोशिश कर दो अभी लोग बोलेंगे गिरेगा पानी बाहर आ जाएगा ऐसे ऐ छलांग मार दो वो भी करें मजा आएगा बस और गई और आज बैठ गए भाई। अल्लाह हाफिज टाटा। फुल माहौल बना दिया अभी उल्टी तो मैं गया पानी के अंदर। नहीं कहीं नहीं जा रही पानी के अंदर भाई। ये देखें ये भाई होते हैं अब्दुल लतीफ भाई यहाँ पे और ये ट्यूब सप्लाई करते हैं। साई ट्यूब के क्या पैसे लेते हो? 100 रुपये। और डिस्काउंट? 100 रुपये। नहीं अच्छा बंदा है ये। ये देखें ये वाली ट्यूब इसने हमें दी है कि जितना देर मर्जी इसमें खेलो। अब दो तीन घंटे दो तीन चार सारा दिन खेलो सर। चलो सही अभी हम खेल के बताते हैं। ये बंदा भी आ गया। मुन्ने क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? बाबर भाई हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। दो के बाद तीन ट्यूब हो गई। ये देखें आप ये देखें छोटे और ये ऐसे। बाबा ये क्या हुआ ये कैसे हो गया भाई? ये हम पानी के अंदर से होते हुए आए और अंदर हमने यूं गए पानी के अंदर से। ये देखे बता रहे तरीके कार क्या है। ये इस तरीके से बाबर भाई आए हैं बस ये समझ रहे हो ना आप। इस तरीके से बाबर भाई अंदर घुसे हैं
तो वहाँ भाई चले फिर आगे जा रहे हैं। चल, 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 तैराकी नहीं कर रही हमें, चल के जाना है। चल के तैराकी नहीं करना थोड़ा सा। पावर भाई की जो हाइट है ना वो लगता भी ऐसे कि वो चल के जाएंगे यहाँ से। हौसला थोड़ा बढ़ जाए जरा फिर शुरू करते हैं। ये अभी हम लोग पानी में सांस रोकने का एक चलो जाओ जाओ अंदर जाओ। मैं भी अंदर हूँ पानी के लेकिन मेरा मुंह अंदर नहीं है। ये लो भाई सारे सारे सब जीत गया सब जीत गया सब जीत गया सब जीत गया भाई। आवाज अलग करे साफ आ रही हो। अभी जो है ना बहुत मजा है हम लोगों को यहाँ पर, हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। इस बच्चे को पानी में डुबोए तो ये डूबता नहीं है। हम सबको एक एक पानी में गोता दिलाएंगे, चेक करेंगे कौन डूबता है। चलो अभी ये तो वापस आ गए। ये डूबने आ रहा है। ओए चप्पल बाहर आ जा बेटा, चप्पल ना आएगी बाहर। और लड़कों को मस्ती चढ़ गई है यहाँ पे। ये देखिए ये एक लड़का है, इसको ही मस्ती चढ़ी है। डालो पानी में। ओ भाई तन्वीर भाई को एक डाइव लगाने दो यार। भाई नहीं लगाने देंगे, ये कराची के आवाम है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इसके दांत चेक करो। ये देखो ये बच्चा चेक करो। तुम्हारे पिछले दांत से क्या लाज है भाई? सही मानना यार, तू बिल पहले गिर गया था। चलो वन हाँ एक मिनट टू थ्री ये वीडियो बनाएंगे जरा। तो भाई हमने बोट बुक करा ली है, हम लोग आइलैंड पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे और फिर वापस आएंगे। 1000 रुपये लिए हैं भाई इसमें, कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की जगह है। 8 जाओ, 2 जाओ, 1 जाओ, 1000 रुपये, 1200 रुपये, ये इसके फिक्स चार्जेस हो चुके हैं। फिर गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया, लाइफ जैकेट वगैरह भी है साथ इसके। अभी चल के हम आगे बताते हैं कि फर्दर और स्टेप्स क्या हैं आगे। अब हम इस छोटे से जो एक आइलैंड पे आए थे, यहाँ से हम लोग अब निकल चले हैं। और खासी गर्मी हो चुकी थी लेकिन ये है कि काफ़ी मज़ा आया भाई हम लोगों को। अभी पीछे उन्होंने बोट ऑन कर दिया भाई ने, वो देखें भाई पीछे वो बोट ऑन कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से वापस अपने किनारे की तरफ जा रहे हैं। देखने में ये आइलैंड जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ में, हाँ मेजर आइलैंड, वो ड्रोन शॉट्स में आपको नज़र आएगा असल इसकी ब्यूटी जो है। ये देखिए अब चलने लगी है बोट। चलाएं जी, बिस्मिल्लाह करो।
हम लोग इस टाइम पे भी आइलैंड के बीच में हैं और साथ साथ मैं ड्रोन की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ अपनी। पीछे मेरे बिल्कुल आप देख सकते हैं वो नोरी जाम तमाची का मज़ार है, जहाँ पे कुछ इंसिडेंट होने की वजह से इन्होंने बंद कर दिया। हमने काफ़ी फोर्स किया लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं यार हम वहाँ जा नहीं सकते, गवर्नमेंट के हिसाब से सख्त पाबंदी है। अगर आप केंजर झील आ रहे हैं तो सिर्फ केंजर झील की जो स्टार्ट में वहीं पे आपको आगे आगे घुमा देंगे, और खाने पीने की जगह भी है, फैमिली की बैठने की जगह भी है, तो आप लोग आराम से वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। तो एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप लोग आएँ इन्जॉय करें, लेकिन यहाँ पर भी आएँ तो सफाई का बहुत ख्याल रखें क्योंकि यही पानी आगे फ़िल्टर होकर हमारे यूज़ में आता है। तो अभी हम लोग साथ साथ अच्छे ड्रोन शॉट्स भी ले रहे हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को पीछे मिल गए होंगे या आगे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मैं इसको फिट कर दूंगा। और बहुत इन्जॉय हुआ हम लोगों को, बहुत मज़ा आया। तो अब आगे चल के जो है वो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। ड्रोन की बैटरी भी एंड हो रही है। चले, ये मिली है जी खुर्रम भाई को बहुत सारी सिपियाँ मिली हैं। हैं साइज देखें जी, वाजी वाह। और यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात, यानी टोटल हम यहाँ तीन बंदे हैं और दो ये भाई, पांच अफराद हैं टोटल, पांच अफराद बस। ज़बरदस्त। तो खुर्रम भाई क्या इरादा है फिर, स्टे कर ले दो तीन घंटे यहाँ पर, हम होकर आते हैं आगे से। अब जजीरे का राउंड किस तरह से ले, ये तो सारे जंगली जंगल है, बड़ा है ये सारा, देखिए कितना बड़ा जंगल। नहीं मतलब इसके समंदर में ले रहे थे पानी, उसमें कश्ती की तरफ एक चारों तरफ चक्कर लगाने का कह रहे हैं खुर्रम भाई, कह रहे हैं कि एक चारों तरफ चक्कर लगाया जाए कश्ती के अंदर। चले जी कोशिश करते हैं, उस भाई को इस बातें मनाते हैं, इस बातें बन जाएगा। और हम लोग जिंदा लौट आए, काफ़ी परेशान थे खुर्रम भाई भी, कह रहे यार वो डबल जैकेट पहन लो, इस जैकेट का भरोसा नहीं है कोई। लेकिन वैसे एक बात है कि ये जो बोट्स हैं ये बहुत अच्छी और सिक्योर बोट्स हैं, सिक्योर बोट्स हैं, पब्लिक के लिए आ सकती है। आप एक रिकमेंड कर रहे हैं खुर्रम भाई, आप क्या बोलेंगे आप? हमने तो पहले ऐसे मुआवजा भी कर लिया, हाउस में भी हम बैठ चुके हैं, उसमें हमारी चीखें हमें पता है किस तरह से निकल रही थी। और दूसरा ये कि जो लकड़ी की बोट होती है ना कन्वेंशनल, हाँ। वो बोट नहीं है, और ज़्यादा चप्पू वाली या इस तरह की ये मोटर बोट्स हैं और अच्छे मटेरियल की बनी है, अच्छे मटेरियल की बनी है। तो भाई आ सकते हैं आप लोग, बोट पे आप लोगों का स्वागत है। फिर ये है भाई जिन्होंने हमें, भाई ने एक बोट पे राइड दी, भाई का बहुत शुक्रिया, नहीं शुक्रिया के अलावा पैसे भी ले रहे हैं भाई, फ्री में दिए बोट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक भाई, कितने राउंड लगाते हैं दिन में? वो नसीब की बात होती है। अच्छा, कभी एक कभी दो कभी तीन भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते, चार भी लग सकते हैं, नहीं भी लग सकता है। अच्छा, तो आम आम दिनों में लोग आते हैं हफ्ते इतवार के अलावा? कम आते हैं, इतवार को ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और हफ्ते को? हफ्ते को भी आते हैं, सबसे ज़्यादा इतवार को आते हैं। इतवार को ज़्यादा तो लोग कराची से आते हैं, और कराची से आते हैं ज़्यादा, कराची। अच्छा, हैदराबाद, हैदराबाद से कम आते हैं? आते हैं थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत, ज़्यादातर कराची, कराची। तो आपकी बोर्ड, आपका नाम और नंबर वंबर है कोई? नंबर है ना, बोर्ड पे भी लिखा हुआ नंबर। नाम नंबर बताएं अपना, मोबाइल नंबर। हाँ, कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई बोर्ड बुक कराना चाहे? 0312-3686-826। अच्छा, नाम क्या? मुबारक, मुबारक, मुबारक अली। चलो बेहतरीन भाई, मुबारक भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा राइड दिया है हमें, और पैसे बाकी भाई से खुद ही बार्गेनिंग कर ली। और ये जो भाई है ना, ये इसका चूर्ण समझ दिया है मुझे, क्या था इसका। नहीं, ये भाई ने हमारी गाड़ी का ख्याल किया है भाई, अच्छे लोग हैं, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है हमारे साथ, और बड़ा अच्छा इनके साथ रहा है हमारा भाई, मज़ा आया, मज़ा आया भाई, थैंक यू भाई। नहीं नहीं, बनाने वाले की लेना ही। भाई हम लोग अभी सारा केंजर झील का, एक जो सामने आइलैंड था, ये सारा टूर हम लोग करके आ गए, और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। मैं, खुर्रम भाई, तनवीर भाई, हम लोग यहाँ पर आए, सुबह सुबह निकल जाएं आप लोग, देखिए केंजर झील आएँ तो कोशिश करें सुबह सुबह आ जाएँ, सुबह सुबह आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा टाइम मिल जाएगा। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो दोपहर के टाइम में भी पानी में जाएंगे तो मज़ा तो आएगा आप लोगों को। और कुछ लोग यहाँ पे खाने पकाने का सामान साथ बना कर लाए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर साथ अपने कुक लेकर आए हुए हैं और खाना बनवा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर आके जो है सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं, खाना वाना नहीं पका रहे। तो डिफरेंट किस्म के लोग यहाँ पर आए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, दोस्त आए हुए हैं बहुत सारे, तो एक काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ का माहौल। मैं कुछ लोग पूछ रहे थे केंजर झील खुल गई नहीं खुली, लेकिन केंजर झील इस टाइम पे खुल चुकी है, लेकिन आपको जो नूरी जाम तमाची का मज़ार है उस पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बस हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अभी हमारा पूरा सिंध का एक टूर है,
इस टूर के अंदर अभी मज़ीद आपको हम आम के बाग दिखाएंगे आगे चल के, और अभी देखेंगे पीछे एक बादशाही मस्जिद है वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये सारे आगे अगले एपिसोड्स के अंदर आते जाएंगे सारे ये। तो जैसे ही अब ये कंटिन्यू हो रहा है तो इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को ये सारी वीडियोस कैसी लगी सिंध के हवाले से, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाएँ। एक और झील भी है आगे, हाला जी, क्या नाम है झील का उसका? हाला जी, हाला झील, हाँ हाला झील है, तो वो भी आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कहते हैं जी वहाँ मगरमच्छ वगैरह भी होते हैं, तो वो भी चल के देखते हैं कि वो छोटी सी झील है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, तो उसको भी चल के कवर करते हैं। और फिर आम के बाग में भी जाना है, फिर और एक तो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कवर करते हैं, फिर हम लोग सिंध का हमारा पूरा टूर है 2-3 दिन का, तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ ये दिखाते जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ अख्ताम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।